पांच ऐसे यूजफुल वर्ड जो आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करेगा अगर आप एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो। ट्राई यूज करना ये वर्ड रिपीट कर दो या रिपीट मैडम। आप एक वर्ड यूज कर सकते हो पार्डन। आप ये कह सकते हो मैम प्लीज पार्डन। ये जो पार्डन वर्ड है ये थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करता है। टाइम टेबल या रूटीन वर्ड की जगह आप यूज कर सकते हो शेड्यूल। ये थोड़ा अच्छा साउंड भी करता है और थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ब्रेक या लंच टाइम वर्ड यूज करने की जगह आप यूज कर सकते हो रिसेस। बैग कहने की जगह बैग यानी कि जो आप टांगते हो इसको कहने की बैग कहने की बजाय आप वर्ड यूज कर सकते हो हैंडबैग या फिर किट। अब लास्ट चीज पे आते हैं। अगर आपको टॉयलेट जाना होता है तो आप वर्ड यूज करते हो टॉयलेट, बट इसके बजाय आप वर्ड यूज कर सकते हो वॉशरूम या फिर लेवोटरी। और इसे अमेरिका में तो इसे टॉयलेट को रेस्ट रूम भी कहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ इंडिया में ये वर्ड यूज़ करोगे तो गाली अलग से और टीचर की डांट अलग से पड़ेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ नॉलेजेबल और प्रोफेशनल इंग्लिश के वर्ड के साथ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।